हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गोभी और आलू के एकदम ऐसी नई रेसिपी जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। एक बार आप सर्दियों में बना लेंगे तो बार बार सर्दियों में ऐसे ही बनाएंगे। आलू और गोभी की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फूल गोभी ली है और आलू लिया है। आलू कोई सी क्वालिटी का ले सकते हो। मैं यहाँ पर शुगर फ्री जो लाल आलू होता है वो ले रही हूँ। और इन दोनों को अपन क्या करेंगे, आलू को छील कर कट कर लेंगे और इसे ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे देख देख कर एक एक को। ऐसे चाकू से कट करने की जरूरत नहीं, एक एक देखना है, क्योंकि इस टाइम जब स्टार्ट होती है गोभी आना तो क्या होता है इसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, तो ऐसे चेक कर लेना है। और इसे ऐसे ज्यादा बड़ा टुक है तो इसके अपन ऐसे दो भाग कर लेंगे और ऐसे ही अपन कट करेंगे। गोभी और आलू को मैंने ऐसे कट कर लिया है और इसमें अपन ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर एक चम्मच, और एक चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर रेड चिली पाउडर। मेरा जो रेड चिली पाउडर यहाँ पर है ना वो स्पाइसी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। और इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए ये धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। और एक कढ़ाई लेकर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि अपन ये थिक रेसिपी बनाएंगे तो थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगेगा। और इस ऑयल को अपन गरम करेंगे। और तड़के के लिए मैंने ली है ये जीरा राई, ब्लैक वाली आती है मेरे पास, ये येलो वाली छिलका उतरी हुई वो मैं राई ले रही हूँ। आप तेज पत्ते लौंग ये भी ले सकते हो। और अब चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही जीरा तड़केगा इसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज पकेंगे, अपन ने जो ये मसाला तैयार किया है वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहो तो आलू और गोभी को अलग से बॉईल कर सकते हो। मैं एक साथ फटाफट बनाने के लिए, जो गांव में अपन ट्रिक अपनाते हैं ना फटाफट से पकाने के लिए, तो मैंने यहाँ क्या किया है, अब इस पानी में पका लेंगे गोभी और आलू को, मिक्स करके पकाएंगे अभी ने। सब्जी पक चुकी है, अब ऊपर से मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी अपनी से फीकी रखेंगे। और चेक कर लेना, जैसे आपको पता ना चले ना, तो ये देखिए आलू को मैं ऐसे करके देख लूँ, आलू यहाँ पर टूट रहा है, मतलब अपनी ये सब्जी पक चुकी है। और लहसुन को थोड़ी देर पकाएंगे और अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी। लहसुन क्या होता है कि भाप में, जैसे थोड़ी देर पका देने के बाद थोड़ा सा भाप में ही पक जाता है। जैसे मैंने बताया गाँव की ट्रिक के अकॉर्डिंग बना रहे, तो मैंने लहसुन भी यहाँ पर मोटा मोटा ही रखा है।